जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है। हाय एवरीवन, मैं राजन चौधरी हाजिर हूं आज आपके लिए वैकेंसीज लेकर के। आज की वैकेंसीज रहेंगी कुरुक्षेत्र की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त कुरुक्षेत्र में रहते हैं या वहां पर जाकर के जॉब करना चाहते हैं, उन सब के लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। आपसे एक बात मैं हमेशा शेयर करता हूं अपनी वीडियोज में कि जो भी वैकेंसीज मैं आपको बताता हूँ, इन वैकेंसीज के लिए मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ। मेरी ये वैकेंसीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। आप सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, दोस्तों के लिए एक हेल्प रहती है। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर कर दिया करो। हो सकता है आपके शेयर से किसी भाई बहन दोस्त को जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, उसकी बेरोजगारी खत्म कर पाए हम, किसी की जिंदगी बचा पाए, किसी की जिंदगी बना पाए। और आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330068 पर अपना सीवी फॉरवर्ड करना है। जब आप सीवी फॉरवर्ड करेंगे तो हमारी तरफ से आपको एक लिंक आएगा, आपने उस लिंक को ज्वाइन करना है। लिंक को ज्वाइन करने के बाद आपको वैकेंसीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपको लगे आपके मतलब का कुछ भी आया हुआ है तो आप उनको डायरेक्टली कॉल करके जा सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इनमें फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज दे रखी होती हैं, तो आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। और एक और चीज़, अगर आप किसी को कॉल करते हैं या आपको कोई भी कभी कोई कॉल आती है कि हम जॉब लगवाने के लिए पैसे लेते हैं, या आप किसी को कॉल करते हो और वो कहता है कि हम जॉब लगवाने के लिए एडवांस में पैसे लेते हैं, तो मेरी आप सभी को हाथ जोड़ के बेनती है, एडवांस में पैसे मत दिया करो, मत दिया करो, आप लोग फंस जाओगे। पैसे दो काम होने के बाद, पहले काय के पैसे, कोई पैसे नहीं देने आपने। काम हो जाए तो दो, सैलरी आ जाए अकाउंट में तो दो, कोई आपसे कंसल्टेंट मांगता है तो दो, बट एडवांस में पैसे मत दिया करो। एडवांस का आपको दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आपको उन कंसल्टेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद उन कंसल्टेंट्स को फोन पे करने पड़ते हैं और वो लोग आपका फोन नहीं उठाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन दोस्त आते हैं जो ये चीजें बताते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के मैं आपको जरूर चुकन्ना करता हूं कि थोड़ा सा अपनी सावधानी अपने हाथ में रखा करो, दूसरों को ब्लेम मत किया करो कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसमें कहीं ना कहीं आप खुद भी शामिल होते हो। क्यों? क्योंकि आप सावधानी नहीं बरतते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जी, कुरुक्षेत्र की वैकेंसीज हैं आज। कुरुक्षेत्र में हमें एक स्कूल में प्रिंसिपल्स चाहिए, वाइस प्रिंसिपल्स चाहिए, कोऑर्डिनेटर्स चाहिए। सीबीएसई स्कूल है ये, और स्कूल जो है 20 साल पुराना है, और जिसमें आपको कैंडिडेट हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ, कुरुक्षेत्र में ही डेंटल बीडीएस चाहिए, एमडीएस डॉक्टर्स चाहिए। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है कुरुक्षेत्र में। एक्सपीरियंस आपको 4 से 5 साल का होना चाहिए और सैलरी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ, कुरुक्षेत्र में ही एक स्कूल में टीचर चाहिए, शाहबाद मारकंडा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में। मिनिमम आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कुरुक्षेत्र में ही एक इंस्टीट्यूट में आयल्स ट्रेनर चाहिए, आपको कम से कम 1 साल का आयल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसी तरह से कुरुक्षेत्र में ही एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर चाहिए एक इंस्टीट्यूट में, टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसके लिए आप फ्रेशर्स हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। एंड एक इंस्टीट्यूट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के टीचर्स चाहिए, कम से कम आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट में कुरुक्षेत्र में ही हमें एक ऑटोकैड ट्रेनर चाहिए, जिनको ऑटोकैड अच्छे से आती हो। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो ये कुछ वैकेंसीज थी जी आज की कुरुक्षेत्र की। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर किया करो। हो सकता है आपके शेयर से किसी भाई बहन दोस्त, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी की बेरोजगारी खत्म कर पाए हम। खुश रहो, दूसरों को खुश रखो,
सबको खुश रखो, तभी आपको खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, खुश रहिए आप। थैंक यू।